हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं रमन मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा प्लस पर। दोस्तों, जैसा कि UP SSC के द्वारा जो लोअर PCS की वैकेंसी इस बार आई है, उसके बारे में आप लोगों के कमेंट के माध्यम से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहे जिनके जवाब के लिए आज मैं आपके सामने एक बार फिर से वीडियो के माध्यम से हाजिर हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात कि लोअर PCS की ये जो वैकेंसी है हमारी इस बार की, इसमें आप फॉर्म फिलअप करते वक्त किन पोस्ट को कैसे कैसे प्रेफरेंस दें, यानी आपकी पदों की वरीयता क्या होनी चाहिए, सबसे पहले मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा। फिर मैं आपसे बात करूंगा आने वाले पैटर्न और सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में भी बातचीत आपसे होगी। शुरुआत करते हैं कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। आपको पदों के कार्य क्षेत्र के अनुसार मैं बताऊंगा कि कौन कौन से पद हैं, कार्य क्षेत्र क्या है और आपके लिए उपयुक्त तो चुनना कौन से पद ज्यादा बेहतर होंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, इसमें आपने पढ़ा होगा विज्ञप्ति में कि 7 प्रकार की अलग अलग पोस्टें हैं, उनको 5 प्रकार के ग्रुप में उसने वर्गीकृत किया है इस बार। इनमें जो 7 प्रकार की पोस्ट है, इसमें नंबर फर्स्ट पर जो वरीयता होनी चाहिए कार्य क्षेत्र के अनुरूप अन्य सारे मामलों में, वो EO की पोस्ट होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी अधिशासी अधिकारी। इसकी तैनाती नगर पंचायत क्षेत्र में की जाती है। खुद का आपको अपना स्टाफ मिलेगा और साथ ही साथ आपको अपना कार्यालय भी मिलता है। इसमें थोड़ा सा ये मांगा है कि जब आप जो है एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, इस पद पर चुन लिए जाते हैं, तो 2 साल के अंदर आपको ओ लेवल क्वालिफाई करके विभाग को देना होता है, ताकि आपकी जो पोस्ट है, आपका जो पद है, वो अस्थाई हो जाए यानी परमानेंट हो जाए। दूसरी बात, इसकी इस बार जो पदों की संख्या है, ये 107 पद है नोटिफिकेशन में, कुल पदों की संख्या 672 है। दूसरी जो आपको प्रेफरेंस होनी चाहिए, ये प्रेफरेंस आप दे सकते हैं मार्केटिंग इंस्पेक्टर को, यानी विपणन निरीक्षक को, ठीक है, उसमें लिखा है। ये मार्केटिंग इंस्पेक्टर की जो पद है, इसकी संख्या 194 है। पे ग्रेड इसके बारे में अगर हम देखें तो 4200 पे ग्रेड की आपकी जॉब है। इसकी तैनाती ब्लॉक स्तर पर आपकी होती है, यानी जो गोदामों में एक तरीके से होती है। इसमें जो आपके मतलब ग्रोथ क्या है, इस बारे में अगर हम देखें तो 6 से 8 साल लगते हैं लगभग, और उसमें आपको प्रमोशंस मिल जाते हैं। अगली अगर हम देखें, जो सबसे आपके लिए उपयुक्त पद होगा, वो सप्लाई इंस्पेक्टर का है, यानी पूर्ति निरीक्षक का पद है। इसका भी पे ग्रेड मार्केटिंग इंस्पेक्टर के सेम है, यानी 4200 पे ग्रेड की नौकरी है। इसकी तैनाती जो होती है, ये जिला मुख्यालय पर होती, तो इसको आप द्वितीय वरीयता के तौर पर भी रख सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ऑफिसर इसका होता है, तो पावर्स वगैरह आप समझ ही गए। इसमें प्रमोशन की जो बात है, ग्रोथ की बात है, ये लगभग 10 साल मान सकते हैं, 6 से 10 साल का ड्यूरेशन जब आप कंप्लीट करेंगे, इसी बीच के बीच आपको मौका मिलता है प्रमोशन के लिए। अगली जो आप वरीयता देना चाहें, तो चकबंदी अधिकारी की वरीयता दे सकते हैं। इसका भी पे ग्रेड 28 जो पे ग्रेड है, 4200 पे ग्रेड है, ठीक है, इसकी 94 सीटें हैं इस बार भी। और अगली वरीयता आप अगर जो है देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो अपर जिला सूचना अधिकारी पे ग्रेड, इसका भी आपका 2800 है और इसकी भी तैनाती जिला मुख्यालय स्तर पर होती है। अगर आप चकबंद जो है सहायक उद्यान निरीक्षक जो है, जिसकी पे ग्रेड आपकी 2400 पे ग्रेड की जॉब है और इस बार 89 इसके लिए पोस्ट है। अगर आपके पास BSc से आप कृषि, यानी कृषि से BSc किए हैं, या बायोलॉजी समूह के आप से आप BSc हैं, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं, यानी योग्य हैं, आप इस पद को भी भर सकते हैं। अगली चीज, राजस्व निरीक्षक भी एक आपका पद है। राजस्व निरीक्षक के लिए BCom की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ऐसा उसने कमेंट किया है, मांगा है। पदों की वरीयता दोस्तों इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बार जो ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, पोस्ट प्रेफरेंस के फॉर्म, ये आयोग दोनों चीजों को लेकर आपसे भरवा रहा है कि हो सकता है जैसा उसने कमेंट किया है कि एक स्टेज होगा या 2 स्टेज होगा, इसलिए जो फॉर्म आप फिल करें वो थोड़ा सा सावधानी से फिल करिएगा। अब हम बात करते हैं जो सबसे बड़ा सवाल है, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ रहे हैं कि सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न क्या हो सकते हैं इनके। तो हम संभावित चीजों पर बात करने से पहले एक नजर हम उन चीजों पर जरूर डालते हैं जहां से कुछ पॉइंट्स हमारे काम के निकल के आते हैं। क्या क्या वो पहलू हैं, उन पहलुओं पर हमें सबसे पहले विचार करना चाहिए। तो एक चीज ये देखते हैं कि इनके संबंधित पहलू क्या क्या है। अगर हम एक नजर डालते हैं कि UPSC के द्वारा जो लोअर PCS की वैकेंसी अभी तक फिल होती थी, वो एक जो वैकेंसी अभी लेटेस्ट इसके द्वारा फिल की गई, वो आपकी आई थी लोअर PCS सितंबर 2015 में फॉर्म आया था। सितंबर 2015 में फॉर्म आया, उसके बाद 2016 में ये वैकेंसी आपकी कंप्लीट हुई थी, पेपर वगैरह हुए थे।
इसमें अगर हम देखें तो तीन स्तरीय ये परीक्षा थी, इसमें प्रीलिम्स था, फिर मेंस था, उसके बाद इंटरव्यू भी किया गया था। तो अगर हम इसमें देखें कि आपके प्रीलिम्स के बारे में क्या क्या रहे, तो इस पेपर में जो प्रीलिम्स का रहा इसमें 150 क्वेश्चन आए हैं। उनमें हम देखें किन किन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन थे, तो लगभग जो है 21 क्वेश्चन ज्योग्राफी से मिले थे, इसमें भूगोल से थे, 20 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी से थे, 21 क्वेश्चन हिस्ट्री इतिहास और गांधीयन वो सॉरी इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से मिले थे, बाकी जो 19-20 के अप्रॉक्स आपके पॉलिटी से क्वेश्चंस थे, 18 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिला के पूछा था इसमें प्रीलिम्स में, 21 क्वेश्चन साइंस थे, साइंस के थे, बाकी बचे जो क्वेश्चंस थे उनमें आपका यूपी सेंसस एंड पॉपुलेशन और करंट के क्वेश्चंस डाले गए थे। ठीक, ये सारे मिलाकर 150 जो है क्वेश्चंस बने थे प्रीलिम्स में, 300 नंबर का पेपर हुआ था। अब बात मेंस की करते हैं, इसमें जो स्टेज टू करवाया था उसमें जो फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट पेपर में 120 क्वेश्चन इसने पूछे थे। 120 क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड थे हम इनको देख लेते हैं। इसमें आपका जीएस गांधीयन एरा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स से संबंधित सवाल थे, कंप्यूटर से संबंधित सवाल थे, यूपी से थे और साइंस से संबंधित सवाल पूछे गए थे 120 क्वेश्चंस में। अगर दूसरे पेपर की इसमें बात करें तो दूसरे पेपर्स में 100 मार्क्स की सामान्य हिंदी पूछा था और दूसरा जो आपका था टॉपिक वो निबंध का था, 100 नंबर के निबंध आपसे पूछे गए थे। अगला जो तीसरा एक तरीके से स्टेज था वो 50 नंबर का इंटरव्यू इसमें हुआ था। तो ये यूपीपीसीएस जब करवाता था लोअर तब की बात थी। अब हम एक नजर डालते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने भी लोअर टू की एक वैकेंसी करवाई थी, आपको ध्यान होगा। तो लोअर टू के बारे में सिलेबस क्या है, लोअर टू का अगर हम सिलेबस देखें तो जो पेपर फर्स्ट इसमें हुआ था, दो पेपर करवाए थे इसने और इंटरव्यू इसमें भी था, तो इसमें जो पेपर फर्स्ट था उसमें 25 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से थे, 75 क्वेश्चंस में उसने मैथ्स प्लस साइंस दोनों को मिला के इंक्लूड किया था, बाकी 50 क्वेश्चन आपके जीएस थे, जीएस में आपका वही हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और आपके अदर सारी चीजें इंक्लूडेड थी। 150 क्वेश्चंस यहां से थे और ये 300 नंबर का पेपर था। जो पेपर टू था इसमें हिंदी के 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, वो 25 क्वेश्चंस 50 नंबर के बने थे, ठीक है, और इंटरव्यू जो था ये 50 नंबर का हुआ था, 400 नंबर टोटल ये पेपर हुआ था लोअर टू की वैकेंसी। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारी चीज है, अगर यूपी ट्रिपल एससी के मौजूदा हम जो इसका तरीका है एग्जाम कराने का उस पर एक नजर डाले, तो आपने देखा कि ग्रेजुएट लेवल के अभी जो नया यूपी ट्रिपल एससी आपका बना, जब से नए सारे चयन हुए, बोर्ड नया बना है, तब इससे इसने ग्रेजुएट लेवल के आपका एक तो युवा विकास खेल दल अधिकारी का पेपर करवाया है और दूसरा मंडी परिषद की अभी वैकेंसी आपके सामने आई है। इन दोनों का अगर आप सिलेबस देखें तो दोनों का जो सिलेबस है ये एकदम सेम है। अब इससे अगर हम देखें कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो 50 क्वेश्चन आपका हिंदी का पूछता है, 50 क्वेश्चन में मैथ्स और साइंस पूछ रहा है, 50 क्वेश्चन जीएस का होता है और बाकी जो 50 क्वेश्चंस आपके बचते हैं इनमें वो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो 200 नंबर का पेपर इस समय बनना है, 50% माइनस मार्किंग इसमें है, यानी एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिल रहे हैं और जब आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके माइनस 1 नंबर कट जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें पैटर्न, अगला जो अभी आपका पेपर है होने जा रहा है इस बार लोअर पीसीएस का, इसमें हम देखें कि पैटर्न अभी तक उसने डिसाइड नहीं किया है कि एग्जाम आपका कैसे होना है। यह सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का भी है कि आखिर इसका पैटर्न क्या होगा। तो एक चीज इसमें देखें, अभी हम लोगों को जो इंटरनल कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इस प्रकार से मिल रही है कि पेपर जो तैयार करेगा आयोग, यानी किस आधार पर वो पेपर लेगा, तो उसमें जहां तक अनुमान है हम लोगों का कि 50% जीएस का क्वेश्चन होगा, 50% पोर्शन जीएस का होगा और 50% अदर जो आपके होते हैं मैथ्स वगैरह, रीजनिंग, ये सारे मिला के पूछे जाएंगे। अब अगली चीज फिर से वही आते हैं कि जब पैटर्न इसका डिसाइड नहीं है तो अनुमान हम किस चीज पर लगाएं, तैयारी किस दिशा में हम प्रारंभ करें जिससे कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके, हमारा चयन हो सके। तो देखिए प्रीलिम्स और मेंस इसमें जो होने जा रहा है अधिकतर तो संभावना यही है कि आयोग ने भी एक चीज स्पष्ट कर रखी है कि अगर उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होगी तो वो मेंस करा सकता है और कहीं ना कहीं अभी जो डिले इसमें हो रहा है धीरे धीरे उसके पीछे यही खींचतान लगी हुई है
उपभोग की स्थिति है कि आयोग अगर दोनों स्तर कराएगा तो दोनों स्तर में क्या वो यूपीपीएससी के द्वारा जो अभी तक लोअर की परीक्षाएं होती हैं उनके भी कुछ चीजों को अपनाएगा या यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जो अभी तक पेपर हो रहे हैं इस प्रक्रिया को अपनाएगा। इसी उपभोग स्थिति की वजह से अभी तक जो पाठ्यक्रम है और तरीका है ये दोनों सामने उभर कर नहीं आए, हालांकि ये बहुत जल्दी आ जाएंगे। देखिए अब एक हम बात अगर आप कंक्लूजन पर आए कि मेंस आखिर आयोग क्यों कराएगा, बहुत सारे लोग ऐसा बता रहे होंगे, आपने देखा होगा कि सिर्फ प्रीलिम्स होना है, लेकिन आप एक थोड़ा सा अनुमान लगाइए सटीक अनुमान, तो उसमें मेंस होने के पीछे इसमें कारण क्या 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 है, उन चीजों उन पहलुओं पर हम एक नजर डालते हैं। सबसे पहली चीज, इस फॉर्म में अभी तक जो यूपी ट्रिपल एससी फॉर्म आपके जितने भी भर्तियां निकाल रहा है उन भर्तियों में उसने ट्रिपल सी को अनिवार्य कर रखा था। पहली ये जो वैकेंसी आई है इसमें ट्रिपल सी नहीं मांगा है, तो जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे थे जो वीडियो वगैरह में आपके फाइट में नहीं थे वो लोग भी इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है। इसीलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की जो बढ़ने की आशंका है वो लगभग अप्रॉक्स 20 लाख फॉर्म पढ़ने ही पढ़ने वाले हैं, तो आपको ये दिमाग में रखना ही चाहिए कि इसमें मेंस होने की संभावना इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, कुछ अन्य चीजें इसलिए हैं कि इसमें 20 लाख लगभग एक्सपेक्टेड होंगे आपके जो फॉर्म्स अनुमान लगाए जा रहे हैं, इसीलिए मेंस होने की ज्यादा संभावनाएं प्रबल हैं। अब कुछ लोग ऐसा सवाल भी पूछ रहे हैं कमेंट के माध्यम से कि मेंस ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, तो आप ये दिमाग में बना के चले कि अधिकतर जो ज्यादा संभावना है वो मेंस के ऑब्जेक्टिव होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, अब एक चीज जो आप में बहुत बड़ी गलतफहमी है या आप उसकी जिज्ञासावश लगातार आप ऐसा क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि पैटर्न क्या होगा सिलेबस क्या होगा, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पैटर्न और सिलेबस ये दोनों अलग पहलू हैं। पैटर्न यानी कौन सी सब्जेक्ट्स आपको सिलेबस यानी पाठ्यक्रम कौन से सब्जेक्ट से संबंधित आपसे सवाल पूछेगा, ये आपका होता है सिलेबस पाठ्यक्रम। पैटर्न मतलब कितने स्टेज का एग्जाम होगा, किस प्रक्रिया को वो अपनाएगा, ये होता है पैटर्न। ठीक है, तो ये चीज आप दिमाग में बना लें कि अभी जैसे बहुत सारे लोग इस स्थिति में पड़े हैं कि तैयारी कहां से शुरू करें, पाठ्यक्रम नहीं भाई, पाठ्यक्रम में जीएस एक ऐसा आपका पोर्शन बनने जा रहा है जो चाहे जो पोर्शन होगा चाहे जैसा आपका तरीका अपनाएगा प्रीलिम्स मेंस दोनों करवाएगा तब भी जीएस आपका पोर्शन बहुत बड़ा सेगमेंट के रूप में सामने उभर कर आएगा। इसीलिए जो सिलेबस आपका जीएस का होगा उसमें आप किन पहलुओं से स्टार्ट करिए, कहां से तैयारी अपनी मजबूत करना प्रारंभ करिए, क्योंकि फाइटिंग आपकी जबरदस्त होने जा रही है, आप जीएस पर सबसे पहले फोकस हो क्योंकि जीएस का पोर्शन ऑलरेडी इस एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रभावी होगा, डोमिनेंस होगा। अभी मैंने जिक्र भी किया आपसे कि 50% जीएस के क्वेश्चन इंक्लूड होने की संभावना है इसमें। ठीक है, तो आप सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं, आप पॉलिटी पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, भारतीय जो राज व्यवस्था है हमारी संविधान है इसको पढ़ना शुरू करिए, आप इकोनॉमी के कुछ पहलुओं को टच करते रहे लगातार, आप इतिहास पढ़ना प्रारंभ करिए, इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी साथ साथ लेकर चलिए स्पेशल, और उसके बाद आपका जो चौथा पॉइंट बचता है भूगोल। ये चार पॉइंट तो आपको सबसे पहले यानी जो जीएस की एबीसीडी बोला जाता है ये चार पहलू तो आपको तैयार ही करने ही करने हैं। उसके बाद आपको अभी बहुत ज्यादा फोकस मैथ्स रीजनिंग इन सब पर जो है थोड़ा थोड़ा होइए, जैसा कि अभी पाठ्यक्रम भी तब तक आ जाएगा, लेकिन ये चार पहलू सबसे पहले आप स्टार्ट कर दें। यूपी भी आपका आएगा, एनवायरमेंट से संबंधित सवाल होंगे, कृषि से भी संबंधित सवाल होने की आशंका जताई जा रही है क्योंकि राज्य में कृषि से संबंधित सवाल हमेशा पूछे गए हैं। करंट आपका एक पोर्शन है जो करंट के क्वेश्चन आ ही सकते हैं, संभावना है ये, तो आप हर दिन धीरे धीरे करंट के भी क्वेश्चन एक तरफ नजर डालते रहें। अगली चीज, ये जितनी चीजें हैं जैसे जीएस से संबंधित हुआ, क्या क्वेश्चन हिस्ट्री में अभी तक लोअर पीसीएस से संबंधित पूछे गए या उस स्तर पर अन्य इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब से संबंधित जो अगला हमारा अन्य वीडियोज की सीरीज आने वाली है, यानी अलग अलग माध्यम से आपको कई टाइप के वीडियो मिलेंगे, उनमें हम हर दिन हमारा ये प्रयास होगा कि आपको क्वेश्चंस के कलेक्शन हम आपको देते रहें, उन पर हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे हर दिन कि इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो इनमें क्या आपके आंसर बने परफेक्ट क्या रहा और क्यों रीजंस उनके क्या रहे, ये सारे फैक्ट्स हम आपको बताते रहेंगे जब जिससे आपकी तैयारी एक बेहतर दिशा में चले। देखिए जब आप पढ़ेंगे
आप तैयारी कर रहे हैं, फिर हम आपके सामने क्वेश्चंस रखेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि हमारी जो तैयारी थी वो तैयारी सही दिशा में है कि कहीं अलग जा रही है मुड़ के। ठीक, यानी आपका लक्ष्य एकदम केंद्रित हो जो परीक्षा आपकी आने वाली है, और परीक्षा में जब तक रणनीति बेहतर नहीं होगी तब तक आप सफल नहीं हो सकते। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए, आपका पॉजिटिव कदम होना चाहिए और रिजल्ट आपका हमेशा तब पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो आगे के वीडियोज हम आपको हर दिन लगभग हमारी कोशिश होगी कि लोअर पीसीएस से संबंधित जो वीडियोज हैं वो हम आपको क्वेश्चन वाइज टॉपिक वाइज हर दिन कोई ना कोई प्रोवाइड करते रहें। आपको अन्य जो समस्याएं हो रही हैं वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, वीडियोज आप लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी जरूर एक बार शेयर करें। जो वेल आइकॉन होता है उसको आप एक बार जरूर पोस्ट कर दें, क्योंकि नए वीडियोज आए तो आपको तुरंत उसकी सूचना यूट्यूब के माध्यम से मिल जाए। धन्यवाद।